पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इसकी टीका चलेगी। तो यहाँ पे बता दिए कि उसी को जो है ब्रह्म में अवस्थित है माया, वही माया जो है विक्षेप आवृत्ति रूप वाली है, शुद्ध स्वरूप को ढक करके जीव और जगत की कल्पना कर देती है। इसमें यहाँ पे स्वप्न जीव जगत और निद्रा कार्यम दृढ़ करने के लिए स्वप्न जीव जगत निद्रा के कार्य इसको दिखा रहे हैं 38वें श्लोक में। इसकी टीका चलेगी। चिदाभास स्थिता इति व्यावहारिक जीवाख्य चिदाभास। चिदाभास स्थिता निद्रा, तो चिदाभास मतलब व्यावहारिक जीव संज्ञक जो चिदाभास, उसमें स्थित मतलब उस चिदाभास आश्रय आवृत्ति विक्षेपात्मिका तमो रूपा प्रसिद्धा। उस चिदाभास में आश्रित जो आवरण और विक्षेप स्वरूप वाली तमो रूपा प्रसिद्धा निद्रा, तमो रूप से अज्ञान रूप से प्रसिद्ध जो निद्रा है, तम रूप है, तो वही निद्रा आवरण शक्त्याकारेण पूर्वे व्यावहारिक जीव जगति आवृत्य। आवरण शक्ति रूपी आकार के द्वारा वही निद्रा आवरण शक्ति के माध्यम से पूर्व के व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत दोनों को ढक लेती है। व्यवहार काल में व्यावहारिक जगत अलग है, व्यावहारिक जीव अलग है, क्योंकि यहाँ का शरीर अलग है, स्वप्नावस्था का शरीर अलग है, वहां का जीव अलग है, वहां का जगत अलग है, किंतु व्यावहारिक जीव और जगत को जब तक ढकेगे नहीं तब तक प्रातिभासिक जीव और जगत को नहीं दिखा सकती है ना। एक रूप को अगर नहीं ढकेगी तब तक दूसरा रूप कहाँ से दिखेगा। रस्सी का स्वरूप नहीं ढकेगा तो सर्प कहाँ से दिखेगा। इसलिए व्यावहारिक जीव और जगत को वह निद्रा आवरण शक्ति के माध्यम से ढक देती है। ततो निद्राश्रयत्वेन, इसके बाद निद्रा के आश्रय रूप से निद्राश्रयत्वेन, पहले तो निद्रा चिदाभास में आश्रिता जो तमो रूपा निद्रा, उसके बाद अब ये जो ये जीव तो ढक गया ना, अब निद्रा के आश्रय रूप से निद्रावच्छिन्न चिदाभास स्वरूपम, निद्रावच्छिन्न चिदाभास स्वरूप की कल्पना कर देती है। जागृत समस्त प्रपंच संस्कार सहिते देहस्थांतर नाड़ी मध्य स्थिते अस्मिन्। जागृत काल के संपूर्ण प्रपंच के संस्कार के सहित जो देहस्थ अंतर नाड़ी मध्य देह में स्थित जो भीतर नाड़ी के बीच में स्थित अस्मिन् निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकारे, इस निद्रा से अवच्छिन्न जो चिदाभास आकार में, चिदाभास आकार में निद्रा वाला वे जो चिदाभास निद्रावच्छिन्न जो चिदाभास आकार, मन तो लीन नहीं होता ना, मन तो रहता है, तो निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकार विक्षेप शक्त्याकार, तो वहां पे मतलब आवरण शक्ति के द्वारा तो पूर्व को ढक दिया, लेकिन वो देह के भीतर जो नाड़ी के बीच में जो निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकार स्थित है उसमें विक्षेप शक्ति आकार के द्वारा उसमें नूतने जीव जगति कल्प है, नवीन जीव और जगत की कल्पना कर देती, व्यावहारिक जीव और जगत को ढक करके उससे निद्रावच्छिन्न चिदाभास में नूतन जीव जगत चिदाभास आकार में नूतन जीव जगत की कल्पना कर देती है।
निद्रा वो चिंचिदाभास आकर उसी में वो नया जीव हो गया, वो नया जगत हो गया उसी में। पूर्व नूतन जीव जगतोर व्यावहारिक प्रातिभाषिकत्व वैलक्षण्य द्योतनास्तर द्योतनार्थ तू शब्द। यहाँ जो तू शब्द है, नूतने तू पूर्वे आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूतने तू कल्प है ना, जीव और जगत की आपको आवरण करके नवीन नूतन नूतने नहीं नूतन जीव जगत की कल्पना कर देती है। तो यहाँ पे तू शब्द जो आया नूतने तू कल्प है। तू शब्द क्यों आया कि पूर्व नूतन जीव जगत और व्यावहारिक प्रातिभाषिकत्व वैलक्षण्य द्योतनास्तर द्योतनार्थ तू शब्द। यहाँ जो तू शब्द है पूर्व का जगत जीव और जगत और नूतन जीव जगत, तो पूर्व के जीव और जगत में क्या है व्यावहारिकत्वम, और यहाँ के जीव और जगत में क्या है अभी जो सपने में बना हुआ प्रातिभाषिकत्वम। इसी विलक्षणता को दिखाने के लिए, इसी भेद को दिखाने के लिए तू शब्द आया। जागृत काल में जगत स्थिर है, स्वप्न में तो स्थिर नहीं है, तो हिंदी में भी कहते स्वप्न में तो स्थिर नहीं है। इसी प्रकार ये तू शब्द जो है आता है विलक्षणता दिखाने के लिए, विलक्षणता इससे सिद्ध हो जाती है। देखिए आगे, यथा निद्रा चिदाभास आश्रयास तथा माया भी ब्रह्माश्रया। जैसे निद्रा चिदाभास में आश्रित है वैसे माया भी ब्रह्म में ही आश्रित है। यथा निद्रा आवृत्ति विक्षेपाख्य शक्ति द्वयात्मिका, निद्रा जैसे आवरण और विक्षेप रूपी दो प्रकार की शक्ति है, दो प्रकार की शक्ति वाली है, तथा माया भी शक्ति द्वयात्मिका। निद्रा तो दृष्टांत हो गया, उसका दृष्टांतिक कौन माया में, माया जो है वो जगत की कल्पना कर ली है शुद्ध में, तो माया भी शक्ति द्वयात्मिका। यथा स्वप्न जीव जगत और निद्रा कार्यत्व, जैसे स्वप्न के जीव और स्वप्न का जगत निद्रा का कार्य है, तथा व्यावहारिक जीव जगत और अपि माया कार्यत्व। इसी प्रकार व्यावहारिक जीव और जगत भी माया के कार्य है, दृष्टांत के द्वारा सिद्ध हुआ। यथा निद्रा अवच्छिन्न चिदाभास आकार से स्वप्न जीव जगत अधिष्ठानत्व, निद्रा से अवच्छिन्न जो चिदाभास रूपी आकार वह स्वप्न के जीव और स्वप्न के जगत का क्या हो गया अधिष्ठान हो गया, उसी में निद्रा स्वप्न जीव जगत कल्पित है। तथा माया अवच्छिन्न साक्षाख्य ब्रह्माकार से, माया से अवच्छिन्न साक्षी रूपी जो ब्रह्म का आकार है, साक्षी संज्ञक ब्रह्म के आकार में आकार में भी क्या आएगा व्यावहारिक जीव जगत अधिष्ठानत्वम स्या, व्यावहारिक जीव अधिष्ठानत्व और व्यावहारिक जगत का अधिष्ठानता उसी माया अवच्छिन्न साक्षी संज्ञक ब्रह्म के आकार में। तस्मात् ब्रह्मण्यवस्थिता माया इत्यनेन श्लोकेन, इसलिए ब्रह्म में जो माया अवस्थित है इस श्लोक के द्वारा प्रदर्शिते अर्थे भी प्रतिपत्ति हेतु कोपि नास्ति, इस श्लोक के द्वारा प्रदर्शित अर्थ में कोई भी प्रतिपत्ति का हेतु नहीं है, विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान नहीं है, एकदम बराबर स्पष्ट है। हेतु कोपि नास्ति, कोई भी नहीं है, ये तो वही उसी अर्थ को दृढ़ कर दिए। ब्रह्म में अवस्थित माया जीव और जगत की कल्पना कर देती है, जैसे कि निद्रा में अवस्थित जो इसमें चिदाभास में स्थित निद्रा विक्षेप और आवृत्ति की कल्पना, विक्षेप और आवृत्ति सकृति के द्वारा प्रातिभाषिक जीव जगत की कल्पना कर देती। तो प्रातिभाषिक जीव और जगत हो गया दृष्टांत, इसी प्रकार माया के द्वारा व्यावहारिक और जीव जगत की कल्पना हो गई है, एकदम स्पष्ट हो गया, इसमें कोई विरुद्ध बात नहीं है, विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान का कोई हेतु नहीं है, यहाँ एकदम स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। तू शब्देन द्योतितम वैलक्षण्यम स्पष्टयति, तू शब्द के द्वारा द्योतित हुआ पूर्व और नूतन जीव जगत में व्यावहारिकत्व और प्रातिभाषिकत्व, ये जो द्योतित हुआ है प्रकाशित हुआ है उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 39 के द्वारा। प्रतीति कालये वैते, प्रतीति कालये वैते स्थितत्वात् प्रातिभाषिके, स्थितत्वात् प्रातिभाषिके नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य, नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य
पुनः स्वप्ने स्थिति स्तयो हो पुनः स्वप्ने स्थिति स्तयो हो प्रतिदि काले वेते स्थितत्वात्प्रातिभासिके नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थिति स्तयो हो। इसका अन्वय हो जाएगा एते जीव जगति प्रतीति काले वे स्थितत्वात् प्रातिभासिके ही अनियस्मात् स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः तयो स्वप्ने स्थिति न ऐसे न यत ही अनियस्मात् पूर्व का अन्वय हो गया ते मतलब जीव जगति प्रतीति काले वे स्थितत्वात् प्रातिभासिके ही स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने तयो स्थितिर न। इसका अर्थ क्या देखो ते वे जीव जो जग वे जीव जगत स्वप्न में दिखने वाले जीव और जगत प्रतीति काल में ही स्थित है इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है प्रातिभासिक जीव जगत है ना। प्रतिभास काले भवमिति प्रातिभासिकम प्रतिभास यानी प्रतीति जो केवल प्रतीति काल में ही दिखाई पड़े उसे क्या कहेंगे प्रातिभासिक। प्रतीति काल प्रातीतिक भी कह देते प्रातिभासिक शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है प्रातिभासिक सत्ता प्रातिभासिक जगत है ना यही तो प्रातिभासिक है बहुत कह देते हैं ना ठीक से नहीं समझने वाले भी कह देते हैं सुन सुन के कह देते हैं कि नहीं छोटा बच्चा भी देख सुन सुन के कहीं बोलने लग जाएगा नहीं समझने वाले ये तो प्रातिभासिक है उनको ठीक से नहीं पता होगा कि नहीं तो ये ना शब्द प्रसिद्ध है ना इसलिए जानने वाले तो यही करते हैं तो नहीं जानने वाले धीरे धीरे जान जाते हैं कैसे जानेंगे भाई कोई पेट में सिक्के तो आए नहीं हम लोग भी जैसे आयोड रेल रिक तो किए हैं कहीं ना कहीं आयोड रेल रिक तो करना ही पड़ा है कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा आयोड रेल रिक तो करोगे ही कहीं ना कहीं तो किए हो पहले अब किसी को करा दोगे फिर तो यहाँ पे मतलब प्रातिभाषिक शब्द से प्रातीतिक भी बोल सकते हो लेकिन प्रातिभाषिक शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है तो प्रतिभास काले भव हेति प्रातिभाषिक तो एते जीव जगति ये जो जीव और जगत है स्वप्न में दिखने वाले प्रतीति काले एवं स्थितत्वात् प्रातिभाषिक प्रतीति काल में ही स्थित होने से इन्हों क्या कहते हैं प्रातिभाषिक कहते हैं प्रातिभाषिक जीव और जगत दो है इसलिए दो वचन दे दिए क्यों प्रातिभाषिक कहते हैं क्यों प्रतीति काल में स्थित कहते हो क्या जैसे जगत है आज दिखा कल भी दिखेगा परसों ही दिखेगा प्रतीति काल में क्यों कह रहे कल भी तो दिखेगा बोले नहीं यहाँ का दिखेगा स्वप्न वाला कल नहीं दिखेगा इसी को दिखा रहे स्वप्न ही के पहले ही लेना अन्वय ही यानी यस्मात ही का अर्थ है यस्मात क्योंकि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः तयो स्वप्ने स्थितिर न जो स्वप्न से जाग गया है आज स्वप्न देखा स्वप्न से जाग गया कल स्वप्न देखेगा पुनः वही जगत दिखाई पड़ेगा क्या पुनः वही दूसरा जगत दिखेगा हाँ आज रामेश्वरम गया तो कल हो सकता है कश्मीर चले जाए अथवा कहीं अमेरिका चले जाए कहीं स्वर्ग कभी स्वर्ग गया कभी नरक भी चले जाए इस तरह से स्वप्न से जो जाग गया है तो दोबारा जब स्वप्न देखेगा पुनः स्वप्ने तयो स्थितिर न कल वाले स्वप्न में जो देखा तो उसकी स्थिति वहां पे स्थित नहीं रहेगी न वही वाला जगत इसलिए उसको प्रातिभाषिक कहते हर समय एक ही नहीं रहता है टीका में देख लीजिए हर बार एक ही नहीं रहेगा। हाँ बोलिए हाँ जीव जगतो हो टीका में देखिए प्रतीति काले हो प्रतीत्यनंतर काल स्थिति निषेधयति एव कारण प्रतीति के अनंतर काल स्थिति को निषेध कर रहा है एव कार आ गया ना ते एव पूर्व पहली पंक्ति में प्रतीति काल एव एता प्रतीति काल में ही दिखाई पड़ते प्रतीति काल के बाद नहीं इसलिए प्रतीत्यनंतर काल स्थिति निषेधयति एव कार ये जो एव कार शब्द है प्रतीति के अनंतर काल में जीव और जगत की स्थिति को निषेध कर रहा है प्रतीति काल में ही दिखता है मतलब बाद में नहीं दिखता अन्य काल में नहीं दिखता प्रतीति काले वर्तमानत्वात्
प्रतीति काल में ही वर्तमान होने से एते स्वप्न जीव जगति प्रातिभासी के इति उच्चेते। प्रतीति काल में ही वर्तमान होने से ये जो स्वप्न के जीव और जगत है क्या कहे जाते हैं, प्रातिभासिक कहे जाते हैं, प्रातिभासी के इति उच्चेते। देखो यहाँ प्रातिभासी के दो वचन है ना, इसलिए संधि कार्य नहीं हुआ। क्या सूत्र है? ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, से जो है प्रकृति भाव हो गया। प्लुत प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, तो प्रतीति काल में वर्तमान होने से ते स्वप्न जीव जगति प्रातिभासिकी इति उच्यते, प्रातिभासिक कहे जाते। इमम एव अर्थम व्यतिरेक मुखेनापि दृढ़यति नहीं इति, इसी अर्थ को अन्वय के द्वारा तो दिखा दे प्रतीति काल में स्थित है, यानी अन्य काल में स्थित नहीं है, व्यतिरेक है, इसी व्यतिरेक को दिखा रहे। नहीं नहीं स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयो, एकर स्वप्न प्रबुद्ध, स्वप्न प्रबुद्ध का क्या मतलब है? एकस्मिन् दिने स्वप्नम दृष्ट्वा तस्मात् प्रबुद्धस्य, एक दिन में, मतलब एक दिन मतलब जब सोया तब, जब सोया तभी, एक पहले वाले दिन में 24 घंटे को दिन लेना, एक 24 घंटे का हो गया ना एक दिन कहेंगे, नहीं तो ऐसे तो एक साल में 365 है तो 720-30 दिन हो जाएगा, दिन रात अलग अलग लोगे तो, लेकिन कहते हैं ना 365 दिन है तो दिन और महीने में 30 दिन होता है, तो तीन दिन और रात मिला के दिन लेते हैं, एक दिन यहाँ भी लेना, एक ही दिन में जब निद्रा में गया स्वप्नम दृष्टवा, जब सोया तो स्वप्न देख करके, तस्मात प्रबुद्धस्य, उस स्वप्न से जब जागा तब दिनांतरे दृश्यमान। देखो ये स्वप्न प्रबुद्धस्य का अर्थ हो गया, स्वप्न प्रबुद्धस्य का इतना तक अर्थ हुआ कि एकस्मिन् दिने स्वप्नम दृष्टवा तस्मात प्रबुद्धस्य, ये स्वप्न प्रबुद्धस्य का अर्थ हो गया। तो दिनांतरे दृश्यमाने स्वप्ने, अब देखो पुनः स्वप्ने मतलब दिनांतरे दृश्यमाने स्वप्ने, दूसरे दिन में जो दिखने वाला स्वप्न है उस स्वप्न में पूर्व दिन स्वप्न संबंधिनोर जीव जगतो, देखो तयोर, तयोर का मतलब है, श्लोक में जो तयो है उसका अर्थ है पूर्व दिन स्वप्न संबंधिनोर जीव जगतोर, पूर्व दिन के स्वप्न के संबंधी जो जीव और जगत है उनकी स्थिति का अर्थ है अवस्थिति नास्ति, ना पहले दे दिए नास्ति, यस्मात क्योंकि ऐसा है, ही शब्द का अर्थ है यस्मात क्योंकि ऐसा है, तस्मात ते प्रातिभासिके एव, इसलिए स्वप्न में दिखने वाले जो जीव और जगत क्या है, प्रातिभासिक ही है, क्योंकि प्रतिभास काल में ही दिखाई पड़े, अन्य काल में वो नहीं दिखाई पड़े, इसलिए पारमार्थिकत्व न तो व्यावहारिक है, व्यावहारिक नहीं है, व्यवहार काल में तो जब तक व्यवहार चल रहा है तब तक दिखे, उसे व्यावहारिक कहते हैं, लेकिन ऐसा है व्यावहारिक नहीं। पारमार्थिकत्व शंका व नास्ति, पारमार्थिकत्व की शंका ही नहीं है, है ना, पार जब व्यावहारिक ही नहीं सिद्ध हो रहा है तो पारमार्थिक कहाँ से होगा, व्यावहारिकत्व आए जब, देखो प्रातिभाषिकत्व ही नहीं आया तो व्यावहारिकत्व कहाँ से आएगा, और जब व्यावहारिकत्व ही नहीं आया तो पारमार्थिकत्व कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा किसी भी अवस्था में। अनयोर अनेन प्रातिभाषिकत्व कथनेन स्वप्न जीव जगतो, ये जो स्वप्न के जीव जगत है इन दोनों में ही, अनयो हो इन दोनों में ही, अनेन प्रातिभाषिकत्व कथनेन, ये जो श्लोक में प्रातिभाषिकत्व दिखा दिया गया उस प्रातिभाषिकत्व के कथन से क्या सिद्ध हो गया, स्वप्न जीव जगतो प्रतीति काले स्थितत्वात्, ये जो स्वप्न जीव और जगत है प्रतीति काल में ही स्थित है, पुनः स्वप्ने स्थित्य अभावाच्य, दोबारा स्वप्न में इनकी स्थिति नहीं होती है, इसलिए इनमें क्या है, मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व है, मिथ्या है वो, इस तरह से ऐसा कथन करने से सिद्ध हो गया मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। तो जैसे तो दृष्टांत हुआ, अब वहां से उठ करके थोड़ा दार्ष्टान्तिक की तरफ बढ़िए, दार्ष्टान्तिक देखिए बता रहे, तथा व्यावहारिक जीव जगतोरपि अनादि कालम आरभ्य, इसी प्रकार जो व्यावहारिक और जीव और जगत है ये कब से शुरू हुआ है, अनादि कालम आरभ्य, क्योंकि बता दिए थे कि कब से शुरू हुआ है कोई बोल नहीं सकता है,
बाप से पूछो, पिताजी से, दादाजी से, परदादाजी से, हाँ, यहाँ तक कि भगवान दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ति, है ना। तो वहाँ पे भी अनादि जो है सर्वत्र कहे हैं, गीता में भी अनादि माया सुप्ता, हाँ अनादि माया सुप्ता अनादि आया है। हाँ अजा, अजा भी, अजा विशेषण आता है माया का, माया का भी विशेषण अजा है, न जायते इति अजा, अजा यानी बकरी नहीं हो, न जायते इति अजा, अजा कर तो कोई बकरी, अजय यानी बकरा, अजय यानी बकरी, बकरी नहीं समझना, न जायते इति अजा। तो देखो, तथा व्यावहारिक जीव जगतोरपि अनादि कालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वम स्थितत्वात्। इसी प्रकार जो व्यावहारिक जीव जगत है ये भी अनादि काल से आरंभ करके मोक्ष से पहले स्थित होने से, कब तक स्थित रहेगा, मोक्ष से पूर्व तक, मोक्ष काल में नहीं जाएगा, मोक्ष काल में तो उसका संबंध ही नहीं, अनादि काल से आरंभ करके मोक्ष से पहले पहले तक स्थित रहने से, ततः परम अभावाच्य, उसके बाद मोक्ष होने के बाद रहेगा नहीं, ततः परम यानी उसके पश्चात, मोक्ष होने के पश्चात है ना, उसको जीव और जगत है क्या, नहीं है, इसलिए वे अभी, या अभी क्या है, मिथ्या हो गया। वह सत्य मतलब त्रिकालाबाध्यत्व, त्रिकालाबाध्यत्व सिद्ध नहीं हुआ। मिथ्यात्व यस्मात्, क्योंकि मिथ्यात्व है, क्योंकि उस मोक्ष होने के बाद नहीं रहता है, तस्मात् इसीलिए अनादि कालम आरभ्य इत्यनेन श्लोकेन प्रदर्शिते अर्थे, अनादि कालम आरभ्य इस जो श्लोक नंबर 37 उस 37 में प्रदर्शित जो अर्थ है कि व्यावहारिक है जो जगत में जी, व्यावहारिक जगत, व्यावहारिक जीव, उस श्लोक में प्रदर्शित अर्थ में कोई विप्रतिपत्ति के लिए अवकाश नहीं है, विप्रतिपत्ति अवकाशो नास्ति, विरुद्ध प्रतिपत्ति, विरुद्ध ज्ञान कोई कह दे नहीं ये तो नित्य है, कोई कह दे नहीं अनित्य है, व्यावहारिक है, बोले वृद्धि प्रतिपत्ति के लिए, विरुद्ध प्रतिपत्ति के लिए कोई अवकाश नहीं है। 37वें श्लोक में जो बताया गया वह श्लोक बिल्कुल सही है उस श्लोक में, इसलिए उसमें भी प्रतिपत्ति का अवकाश नहीं, यहाँ दृष्टांत दे करके दिखा दी, इति अभिप्राय, यही अभिप्राय है, इसी अभिप्राय से वहाँ बताया गया है। चलिए देखिए, एवं स्वप्न जीव जगत दृष्टांतेन संक्षेपेण प्रदर्शितम्, स्वप्ना स्वप्ने भवा इति स्वप्ना, बहुवचन दो वचन लेके स्वप्ने, स्वप्ने भवे भवौ, स्वप्ने भवे इति स्वप्ने जीव जगत, जीव जगति, तो स्वप्न में होने वाले जीव और जगत को दृष्टांत देख, जगत दृष्टांतेन जीव और जगत रूपी दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांतेन संक्षेपेण प्रदर्शितम्, संक्षेप से जो दिखाया गया, क्या दिखाया गया, व्यावहारिक जीव जगत और मिथ्यात्व, व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत के जो मिथ्यात्व दिखाई गई स्वप्न के जीव जगत दृष्टांत के द्वारा, जो संक्षेप में दिखाई गई, जरा तो देखिए, तो स्व एवं स्वप्न जीव जगत दृष्टांतेन संक्षेपेण प्रदर्शितम्, संक्षेप में जो दिखाया गया, क्या दिखाया गया, व्यावहारिक जीव जगत और मिथ्यात्व, व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत में जो मिथ्यात्व दिखाया गया किस दृष्टांत के द्वारा, स्वप्न जीव जगत के, जगत दृष्टांत के द्वारा। पुनः स्वप्न दृष्टांतम अवलंब्य, दोबारा स्वप्न दृष्टांत का अवलंबन करके श्लोकत्रयेण दृढ़ हेतुम करो, दृढ़ हेतुम नहीं बन सकता, दृढ़ हेतुम बनेगा, दृढ़ हेतुम करिए। पुनः जो है स्वप्न दृष्टांत, पुनः स्वप्न दृष्टांतम अवलंब्य श्लोकत्रयेण दृढ़ हेतुम, पुनः जो है जो व्यावहारिक जीव जगत में मिथ्यात्व दिखाया गया, पुनः स्वप्न दृष्टांत के द्वारा उसको दृढ़ करने के लिए, दृढ़ करके एकदम दिमाग मन में बैठा लेना है, जैसे जगत बैठा हुआ वैसे ही बैठ जाए, अभी तक तो जगत बैठा हुआ है, अब जगत को हटा करके इसको बैठाएंगे, जैसे महात्मा पहले बने तो पहले घर घर बैठा हुआ था, अब जब जब धीरे धीरे यहाँ आए, यहाँ रहते रहते आश्रम बैठ गया
आश्रम की बातें बैठ गई पूरी तरह से दिमाग में, अब ये वाली प्रक्रिया चालू हो गई है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से फिर गुणातीत गुणातीत हो जाएंगे। ये तामस से राजस, राजस से सात्विक में आए, सात्विक से गुणातीत हो जाना है। इसलिए यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, तो श्लोक त्रयण दृढ़ेतुम दृष्टांत भूतयो स्वप्न जीव जगतोर मिथ्यात्वम तावत दर्शयति। दृष्टांत स्वरूप जो स्वप्न जीव जगत, उसके मिथ्यात्व को पहले और अच्छी तरह से यहाँ पे दृढ़ करके दिखा रहे हैं, जिससे कि जागृत का जीव जगत मिथ्या सिद्ध हो जाए। तो देखिए इस 40वां श्लोक, प्रातिभासिक जीवो यस, प्रातिभासिक जीवो यस, तज्जगत प्रातिभासिकम्, तज्जगत प्रातिभासिकम्, वास्तवं मन्यते अन्यस्तु, वास्तवं मन्यते अन्यस्तु, मिथ्येति व्यावहारिकः, मिथ्येति व्यावहारिकः, प्रातिभासिक जीवो यस, तज्जगत प्रातिभासिकम्, वास्तवं मन्यते अन्यस्तु, मिथ्येति व्यावहारिकः। प्रातिभासिक प्रातिभासिक जीवो यः, यह प्रातिभासिक जीवो अस्ति, तद जगत प्रातिभासिकम अस्ति, जो प्रातिभासिक जीव है ना, उसका जो जगत है क्या है, प्रातिभासिक है। तो वह वो क्या करेगा, उसको वास्तव मन्यते, इसलिए अनुभव ऐसा करना, यह प्रातिभासिक जीवो तद जगत प्रातिभासिकम वास्तव मन्यते, जो प्रातिभासिक जीव है वह क्या करता है, तत् जगत प्रातिभासिकम वास्तव मन्यते, तत् प्रातिभासिकम जगत वास्तव मन्यते। वो वह जो है सपने में दिखने वाले प्रातिभासिक जगत को क्या मानता है, वास्तव मानते, थोड़ी कहता है मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता, स्वप्न देख रहा हूँ ऐसा नहीं कहेगा। तो जो प्रातिभासिक जीव है वह प्रातिभासिक उस जगत को क्या मानता है, वास्तव में। अन्य अन्वय इस तरह से हुआ, प्रायः प्रातिभासिक जीवो तत्प्रातिभासिकम जगत वास्तव मन्यते, अन्य व्यावहारिकस्तु मिथ्या इति मन्यते। जो प्रातिभासिक जीव है जो हाँ वह उस प्रातिभासिक जगत को वास्तविक मानता है, लेकिन अन्य जो व्यावहारिक जीव है, तू यानी किंतु, तू अन्य व्यावहारिक मिथ्या इति मन्यते, लेकिन जब जागृत अवस्था में आज व्यावहारिक जीव हो गया, वह क्या मानेगा, ओ मिथ्या था, अरे मैंने मिथ्या ही जो है हाथी पे चढ़ा हुआ था, जागृत में आकर के, हाँ जागृत में आएगा तभी तो व्यावहारिक होगा कि कहीं दूसरी जगह जाके होगा, जागृत में ही आना पड़ेगा ना, और कहाँ आएगा, नहीं तो सोते सोते ही ट्रेन से पहुंच गए बहुत दूर तक, तो सोने निद्रा में ही जान जाओगे, मतलब ये जागृत में ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं। प्रातिभासिक पाठ तो सुधारे, प्राथिक की है, अन्वय लग गया ना, यह प्रातिभासिक जीव तत्प्रातिभासिकम जगत वास्तव मन्यते, अन्य व्यावहारिक जीवस्तु मिथ्या इति मन्यते। जो प्रातिभासिक जीव है उस प्रातिभासिक जगत को वास्तविक मानता है, लेकिन जो व्यावहारिक जीव है वह उस प्रातिभासिक जगत को मिथ्या मानता है, इस तरह से। अब ऐसे दार्शनिक में ले जाए, यह व्यावहारिक जीव व्यावहारिक जगत को सत्य मानता है, और जो पारमार्थिक जीव है शास्त्र साधना में उतर गया है तो पारमार्थिक अपने आप को जानता है, वह व्यावहारिक जगत को मिथ्या मानता है, वो दार्शनिक हो जाएगा। देखिए टीका में, प्रातिभाषिक स्वप्न कल्पित प्रातिभासिक आख्यो यो जीव, स्वप्न के द्वारा कल्पित, निद्रा की आवरण शक्ति के द्वारा स्वरूप ढक गया व्यावहारिक, और वहाँ के अभिक्षेप शक्ति के द्वारा जो शरीर आदि दिखाई पड़ा तो प्रातिभासिक उसमें अभिमान करके प्रातिभासिक जीव है। तो स्वप्न कल्पित जो प्रातिभासिक संज्ञक जो जीव है, सह वह जीव स्वप्न कल्पितम प्रातिभासिकाख्यम तद जगत, स्वप्न के द्वारा कल्पित प्रातिभासिक संज्ञक उस जगत को वास्तवं मन्यते, वास्तव मान लेता है,
क्यों वास्तव मान ले सत्यमिति अवगच्छति, सत्य वास्तव मानता है तो सत्य या सत्य है ऐसा जानता है, इसलिए स्वप्न में भी बहुत दुखी होता है, कभी बहुत सुखी होता है, कभी भूखा घूमता है, कभी प्यासा घूमता है ना, कभी जो है दूसरे के सामने रो रहा है आप लोग मेरी सहायता नहीं करते हो, कभी इस तरह से, तो नाना प्रकार की चीज़ें वो देखता है। ना तो मिथ्या इति, मिथ्या नहीं मानता, अगर मिथ्या मान लिए तो उसको कोई नहीं कहेगा सो रहा है, अगर स्वप्न के जगत को ही वो मिथ्या मान लिए उसे कहेंगे सो रहा है। जैसे जागृत काल में वो अगर जागृत व्यवहार को मिथ्या मान लिया तो ज्ञानी लोग उसे सोने वाला मानेंगे, नहीं मानेंगे, बाकी ज्ञानी लोग अन्य सब ले सब तो सो रहे हैं। जैसे उदाहरण आया ना कि कोई जो है महात्मा कहीं भिक्षा मांगने गए तो भिक्षा मांगने वाली वो स्त्री आई और थोड़ा सत्संग होने लगा, बोले मेरे पति जो है अभी 6 महीने के ही हुए हैं और वो जो सासू माँ है वो उसको जो है अभी कुछ ही समय हुआ पैदा हुए और ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए। बोले आपकी क्या आयु है, बोले मेरी अभी 2.5 साल आयु है। बोले ऐसा कैसे हो गया, तो ये बताया कि पहले मैं कुछ सत्संग नहीं करती थी, अभी 2.5 साल से सत्संग करने लगी तो पहले का पूरा जीवन बेकार है, उसका क्या गिन, उसको क्या गिनना है, तो 2.5 साल से सत्संग कर रहे हो तो मेरी आयु 2.5 साल है और पति देव अभी 6 महीने से सत्संग करने में लगी है, तो पति देव की आयु केवल 6 महीने हुई है, सासू माँ भी 1 साल से एक महीने से जाने लगी तो उनकी 1 महीने आयु है और ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, तो ऐसा बताया उसने। तो इस तरह से तो महात्मा लोग उन्हें कोई क्या कहेंगे जो व्यावहारिक संसार से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, भले अभी सो ही रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो प्रातिभाषिक जीव है प्रातिभाषिक जगत को सत्य मानता है, मिथ्या नहीं मानता है, मिथ्या करके नहीं मानता, क्योंकि अगर मिथ्या मान ले तो कोई नहीं कहेगा कि सो रहा है, कोई बताएगा जो अरे वो तो वैसे जो अभी अभी देख रहा था स्वप्न में रामेश्वरम यहाँ से गया था वो तो मिथ्या ही था, तो कह दे तुम सो नहीं रहे, तुम तो जाग गए हो, तुम सो नहीं रहे हो, तुम जाग गए हो, अगर उसको मिथ्या मान लिया तो उसको कह देंगे जाग गया है। ऐसे व्यवहार में रहते हुए जो व्यवहार को मिथ्या मान लिया तो कोई नहीं कहेगा कि सो रहा है, मतलब मिथ्या निश्चय हो गया तो कोई नहीं कहेगा सो रहा है बल्कि ये जाग चुका है। स्वस्य यावद अवस्थानम तावत तस्यापि अवस्थितत्वात्, स्वस्य यावद अवस्थानम तावत तस्य, क्योंकि स्व जो है जो प्रातिभाषिक जीव है जब तक रहा तब तक जगत भी वही रहा, तो जब तक वो रहा जगत भी रहा, अगर उसके होते होते जगत विनष्ट हो जाता तब भले मिथ्या मान सकता था, लेकिन जब तक वो स्वप्न में रहा तभी तक जगत दिखा, तो पूरे समय में तो दिखा वो सत्य करके व्यवहार किया, इसलिए उसको सत्य नहीं, सत्य ही मानता है मिथ्या नहीं मानता। तो स्व से यावद अवस्थानम तावत तस्यापि अवस्थितत्वात्, स्व जो प्रातिभाषिक जीव जब तक स्वप्न में रहा तब तक वह जगत भी स्थित रहा, इसलिए अन्योन्य पक्ष व्यावृत्ति अर्थ तू शब्द, परस्पर इन दोनों पक्षों की व्यावृत्ति के लिए तू शब्द, जब जागृत में आ गया तब तो व्यावहारिक हो गया, व्यावहारिक मिथ्या मानेगा प्रातिभाषिक मिथ्या नहीं मानेगा, और प्रातिभाषिकाद अन्यो व्यावहारिकाख्यो जीव, प्रातिभाषिक से भिन्न जो व्यावहारिक संज्ञक जीव है वह क्या करेगा, तत्प्रातिभाषिकम जगत च तद्द्रष्टारम प्रातिभाषिकम जीवम च, प्रातिभाषिक से भिन्न जो व्यावहारिक जीव है वह क्या करेगा, प्रातिभाषिक जगत को, व्यावहारिक संज्ञक जीव प्रातिभाषिक जगत को और उसके दृष्टा प्रातिभाषिक जीव को भी मिथ्या इति मन्यते, मिथ्या है ऐसा मानता है, न तो वास्तवमिति, वास्तव में नहीं मानता, मिथ्या ही मानता है, क्योंकि अब तो रहा नहीं, जान गया कब तो रहा नहीं, जो मैं देखा वो कहाँ रहा, कुछ हाथ में नहीं आया, भले वहाँ राजा बन के घूम रहा था अथवा भले रंक बन के घूम रहा था, कोई गरीबी नहीं कोई अमीरी नहीं।
स्वप्नात् पूर्वम स्वप्नानंतरम प्रबोधे च तयोरुभयोरपि अवस्थानाभावात्। स्वप्न से पहले और स्वप्न के बाद प्रबोध काल में, जागृत काल में, वो दोनों के दोनों की अवस्थिति नहीं रही। प्रातिभासिक जीव और प्रातिभासिक जगत दोनों ही नहीं रहे, इसलिए वो दोनों मिथ्या हो गए। और पहले देखो प्रातिभासिक सत्य क्यों मान रहा था, कि जब तक प्रातिभासिक जीव है तब तक प्रातिभासिक जगत है, इसलिए प्रातिभासिक जीव उस जगत को सत्य करके ही मानता है। और जब व्यवहार में आ गया तो न तो प्रातिभासिक जीव रहा न प्रातिभासिक जगत रहा, इसलिए यह व्यावहारिक जीव प्रातिभासिक जीव जगत को मिथ्या ही मानता है। इति भाव, ये तात्पर्य है, तात्पर्य यही है। दृष्टांतेन प्रदर्शितम न्यायम दार्ष्टान्तिके योजयति। दृष्टांत के दिखाए द्वारा दिखाए गए युक्ति को, नियम को दार्ष्टान्तिक में जोड़ रहे हैं। अब व्यावहारिक में आ जाइए, व्यावहारिक और पारमार्थिक को लेकर के श्लोक नंबर 41। व्यावहारिक जीवो यस, व्यावहारिक जीवो यस, तज्जगत व्यावहारिकम्, तज्जगत व्यावहारिकम्, सत्यं प्रतेति प्रत्येति मिथ्येति, सत्यं प्रतेति मिथ्येति, मन्यते पारमार्थिकः, मन्यते पारमार्थिकः, व्यावहारिक जीवो यस, तज्जगत व्यावहारिकम्, सत्यं प्रत्येति मिथ्येति, मन्यते पारमार्थिकः। व्यावहारिक जीवो यस, व्यवहार काले भवेति व्यावहारिको जीव, व्यावहारिक जगत, व्यावहारिक शरीर आदि में अहम मम ऐसा अभिमान करने वाला जो जीव है, व्यावहारिक जीव। तो जो व्यावहारिक जीव है तद जगत व्यावहारिकम, तो वह उस व्यावहारिक जगत को, माया के द्वारा कल्पित जो जगत को, सत्यम प्रत्येति जानाति, प्रत्येति मतलब जानाति, सत्य रूप से जानता है, ग्रहण करता है, व्यवहार करता है। पारमार्थिक मिथ्या इति, यहां भी तू शब्द ले आना, अध्ययन करना, किंतु पारमार्थिक जीव जो साक्षी है, जो शास्त्र है, गुरु वाक्य सुन रहा है, शास्त्र की बातों को सुन रहा है, भले अभी नहीं जान पाया लेकिन वो शास्त्र के वाक्य के आधार पर समझ गया है कि हमारा स्वरूप भी ठीक नहीं है और यह जगत भी मिथ्या। तो पारमार्थिक जो जीव है वह व्यावहारिक जगत को क्या करेगा, मिथ्या मानता है। तो जो ज्ञानी हो गया तो बात है ही, तो ज्ञानी तो है ही, लेकिन पारमार्थिक शास्त्र से समझ लिया तो भी वो समझ लेता है कि जगत मिथ्या है। इसलिए पारमार्थिक जीव जो अपने साक्षी रूप मानता है वह व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत दोनों को ही क्या मानता है, मिथ्या मानता है। इसलिए अन्वय हो गया, यह व्यावहारिक जीवो हो तद व्यावहारिकम जगत सत्यम प्रत्येति, पारमार्थिको जीव, पारमार्थिक यानी जीव, मिथ्या इति मन्यते। इस तरह से अन्वय हो गया, व्यावहारिक जीव उस व्यावहारिक जगत को सत्य जानता है, पारमार्थिक जीव व्यावहारिक जगत, जीव और जगत दोनों को ही मिथ्या मानता है। ठीक है, हमें देख लीजिए आगे, व्यावहारिके थे उक्त लक्षणों यो व्यावहारिक जीव, उक्त लक्षण जो व्यावहारिक जीव, उक्त लक्षण यानी कौन से लक्षण वाला, जिसका जो है वो बताए है पूर्व में, श्लोक नंबर आ चुका है 32 में, तीन तीन दिखा थे अवच्छिन्न चिदाभास, वो वहां से शुरू तीन प्रकार के जीव बताए थे, वही तीन प्रकार के जीव वहीं से शुरू किए। एक तो अवच्छिन्न पारमार्थिक, चिदाभास हो गया व्यावहारिक, और तृतीय स्वप्न कल्पिता। तो मतलब चित्त लक्षण से रहे तो उसके समान जो मालूम पड़ने वाला है, तो अंतःकरण संज्ञक जो अहंकार आदि शब्द वाच लिंग शरीर में प्रतिबिंबित जो चैतन्य चिदाभास, वही है व्यावहारिक जीव। ये 32वें श्लोक में, 32 नंबर के श्लोक में दिखाए थे, और आगे भी एक जगह शायद आया था व्यावहारिक जीव तद उभय, हाँ 37वें श्लोक में, अनादिकालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वम इदम द्वयम्। अनादिकाल से आरंभ करके मोक्ष से पहले पहले तक के जो जगत और जीव व्यवहारे स्थितम, व्यवहार काल में स्थित है, तस्माद् उभयम् व्यावहारिकम्, इसलिए दोनों के दोनों ही क्या हो गए, व्यावहारिक, व्यावहारिक हो गए। उक्त लक्षणों, ये जो 32वें श्लोक में, 37वें श्लोक में दिखाए, 37वें श्लोक को लेना 37 में,
एकदम स्पष्ट अलग करके दिखा दी। उक्त लक्षणों यो व्यावहारिक जीव है, जो व्यावहारिक जीव है, स माया कल्पितम तद व्यावहारिकम जगत, व माया के द्वारा कल्पित जो व्यावहारिक जगत है सत्यम प्रत्येति, सत्य जानता है, यानी वास्तवम इति अवगच्छति, वास्तव है ऐसा जानता है। वास्तवम इति, यह वास्तव है, वास्तविक है, वस्तु है, वस्तु रेव वास्तवम, ये वस्तु है, पारमार्थिक है, ऐसा जानता है, न तो मिथ्या है, मिथ्या नहीं जानता। चलिए इसको आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।